हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं संग्राम सिंह, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरंभ स्टडी में। दोस्तों पूर्ण हिंदी ग्रंथ अकेडमी हम कर रहे थे अपने सच का सामना सीरीज के अंतर्गत, तो आज इसका लेसन नंबर 29 है और फिर से डिस्कस करेंगे 15 मतलब जीके एमसीक्यू। तो हम बता दें इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जल संसाधन के बारे में, वाटर रिसोर्सेज क्या कहते हैं, जलप्रपात है, नदियां, और सबसे खास बात इस पूरे चैप्टर इस पूरे लेसन की ये है कि मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपको साबित हो जाएगा कि ये बुक कितने इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है। तो ये उनके लिए है जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो हम ये चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे अपने 390 क्वेश्चन तक। तो देखते हैं कि अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आरंभ स्टडी को, और टेलीग्राम चैनल पे सबसे ज़्यादा जरूरी है वहीं पर आप जाएं, वहाँ पर आपको उसको पीडीएफ मिलेगी, पोल्स मिलेगा, सारा कुछ भरा पड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये, तो चलिए पढ़ते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इसी रिएक्शन के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम देखेंगे कि अपनी गंगा हो गई, यमुना हो गई, जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी पूर्व की दिशा में जाती हैं। अब जो पश्चिम की ओर बहने वाली कम ही नदियां हैं तो उनमें से कौन सी नदी है, ये जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, तो यानी विच रिवर्स ऑफ द मध्य प्रदेश फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी केन बेतवा, ऑप्शन सी चंबल एंड काली सिंध, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेंच नदी एवं हिरण नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा एंड ताप्ती। जो नर्मदा और ताप्ती नदी, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ज्योग्राफी में भी आता है कि ये नदी पश्चिम की ओर बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा एवं सोन जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, बता दीजिए कौन सा है? तो यानी नदी जो निकलती है, तीनों नदी एक जगह से निकलती है, विच इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा सोन एंड जोहिला रिवर। तो ये एक पॉइंट से निकलती है तो एक अलग डायरेक्शन में जाती है, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में, यानी तीनों नदी अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो उस उद्गम स्थल का नाम बता दीजिए आप। ऑप्शन ए जाना पाव की पहाड़ी, ऑप्शन बी सिरोंज की तराई, ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियां, फिर ऑप्शन नंबर डी महादेव पर्वत की काकरी बड़ी जो पहाड़ी है। तो जाना पाव हिल्स, तराई ऑफ सिरोंज, ऑप्शन सी अमरकंटक हिल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी काकरी बड़ी ऑफ महादेव माउंटेन। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी। और इसके साथ हमें क्वेश्चन आ जाता है एक, तो अमरकंटक किस जिले में है और वह जिला किस संभाग में आता है, आपको इसको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो ध्यान दीजिए नॉट की बात कर, नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें हमें तीन सही फैक्ट मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए ताप्ती नदी, मुल्ताई तालाब बैतूल मुल्ताई पॉन्ड, ऑप्शन बी बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन, ऑप्शन सी तवा नदी पचमढ़ी महादेव पर्वत, ऑप्शन नंबर डी छिपरा नदी जाना पांव की पहाड़ियां। तो इसमें खास बात यह है कि ये नदी का नाम है और इसके बगल में उद्गम यानी ओरिजिन का नाम दिया गया है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये गलत है, छिपरा नदी जाना पांव की पहाड़ियां से नहीं निकलती है। तो ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर गलत है और बाकी तीनों सही है। तो आप बाकी तीनों फैक्ट याद कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन में आएंगे। तो टोटल 78 क्वेश्चन है और ये हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ही है, तो इनसे जुड़े क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे अगर नहीं भी आएंगे तो भी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश जीवन रेखा कही जाती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए छिपरा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन नंबर डी बेतवा। तो जेल पर 2018 का प्रश्न है, सीधे सीधे ही उठा लिया गया। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन में बताऊंगा जो एकदम लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक आपको पता चल जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलते हुए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है और काफी ज्यादा लोगों को पानी और कई सारी चीजें मिलती है सिंचाई के लिए, हो गया, तो इसलिए जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नदी मेकलसुता एवं रेवा नदी के नाम से भी जानी जाती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड मेकलसुता एंड रेवर रिवा, ऑप्शन नंबर ए छिपरा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्वती नदी। तो इसको मैं एक करंट अफेयर्स रिलेट करके आपको बताऊंगा, जो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी। तो अभी हाल ही में आपने सभी ने न्यूज पढ़ा होगा कि सोलर प्लांट एशिया का या फिर इंडिया का कह सकते हैं कि एक काफी न्यूज हाइप क्रिएट किया गया कि कहाँ पे है ये, वर्ल्ड का है, एशिया का है, इंडिया का है। तो एक जो ऑफिशियल न्यूज ये थी कि एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इज इन रीवा। तो मोदी जी ने जो भाषण दिया था वहां पे उन्होंने नाम किया था कि रीवा का नाता माँ नर्मदा से भी है। तो अब लोगों ने कहा कि रीवा कहाँ है, नर्मदा कहाँ है,
ये देखिए रेवा नाम से भी जाना जाती है नर्मदा नदी को, तो यहां से उन्होंने इसको लिंक किया था। तो एक प्रकार से करंट भी बन सकता है कि रेवा नदी कौन से नदी नाम जानी जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा नदी को रेवा और मैकलसोता भी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज, तो जैसे बच्चा पैदा होता है सबसे माँ बोलता है, और अगर मध्य प्रदेश पढ़ने वाला है और अगर नदी पढ़े तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता है, तो ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी सोन, या फिर ऑप्शन बड़ी बेतवा नदी। तो आप तुक्का भी मारेंगे तो सही ही होगा आमतौर पर, तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी तो पता है सबसे लंबी है, अब बता दीजिए चंबल की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर तो नर्मदा था, आपको बताना है चंबल की लंबाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नर्मदा की लंबाई है किलोमीटर में एस्चुरी सहित, तो एस्चुरी क्या होता है हम आगे एक प्रश्न में जानेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि द लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इज ऑप्शन ए 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, ऑप्शन बी 890 किलोमीटर, ऑप्शन सी 965 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 480 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर 1312 किलोमीटर। तो आपको इस तरह से याद करना, 1312 करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो आपको एमपी जी के इसी तरह कई सारे जो फैक्चुअल चीजें ऐसे ही रटनी है, क्योंकि एमपी में इतने सारे फैक्ट मिल जाएंगे, 1500-1600 इस फैक्ट के बाद भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई है, मध्य प्रदेश में नहीं मतलब पूरी नर्मदा की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी बुक का हम दिखाने जा रहे हैं, जो एमपीपीएससी 2019 के क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा है यह प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी में नहीं है, तो इससे हद से ज्यादा क्वेश्चन आप कहीं नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ही है। अगर आपने इस बुक का 10 क्वेश्चन भी पढ़ लिए होते तो आपसे एमपीपीएससी 2019 क्वेश्चन बन गया था, यानी नादान सा नन्ना मुन्ना बालक भी इस क्वेश्चन को कर सकता अगर उसने ये बुक को थोड़ा सा भी पढ़ा होता। तो ऑप्शन नंबर ए बेड़ाघाट जलप्रपात, ऑप्शन बी कपिलधारा, ऑप्शन सी दुग्धधारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी भालकुंड जलप्रपात। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आपने सारे वाटरफॉल्स लाइन से भी याद किए होते तो आपको सारे बन गया होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भालकुंड जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी जाती उसमें नहीं पाया जाता है। तो भालकुंड कहाँ पाया जाता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकियों को भी पता चल सके। अगर नहीं भी पता तो आप गूगल कर लीजिए, बुक से देख लीजिए, ताकि आपको भी फैक्ट बन जाए और कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, यानी विच इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट वाइडेस्ट हाईएस्ट, ये कई सारे प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखिएगा सबसे बड़ा की बात किया गया तो आप इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा पूछा जाता है तो आपको कौन सा बताना, ऑप्शन ए सहस्त्रधारा, ऑप्शन बी भालकुंड, ऑप्शन सी चचाई, या फिर ऑप्शन बड़ी धुआंधार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चचाई जलप्रपात। तो चचाई कहाँ पे है आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा ये चचाई जलप्रपात रीवा में है। तो बाकी ये धुआंधार, भालकुंड, सहस्त्रधारा, ये सारे कुछ ऊंचे तो नहीं है जितना चचाई है, तो चचाई रीवा में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश में किस नदी किनारे सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो सिंहस्थ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर इन मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए छिपरा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन, या फिर इनमें से कोई नहीं किसी अन्य नदी के ऊपर आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छिपरा नदी। तो सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ था 2016-17 के आसपास, तो काफी ज्यादा कह सकते हैं न्यूज में था उस टाइम पे, ये इसकी अव्यवस्था से रिलेटेड, भ्रष्टाचार से रिलेटेड, और एक तरह से काफी सक्सेसफुल इवेंट भी होता उससे भी रिलेटेड, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बता दीजिए चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नदी में सबको आपको यही रटना है कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होता है, देन उसके बाद उसकी लंबाई कितनी है, देन उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट फॉल्स है, कौन सी नदी परियोजना है, इनका खत्म कहाँ पे होता है, सहायक नदी, ये 5-6 पॉइंट आप 5-6 जो इंपॉर्टेंट नदी है उनके बारे में रट लें, तो आपसे मैं कहता हूँ कि 70-80% क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड बन जाएंगे। तो फिलहाल आप बता दीजिए इसके बारे में चंबल नदी का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से है, ऑप्शन ए वांगचू पॉइंट जनपहो महू से, ऑप्शन बी काकरी बर्डी की पहाड़ी इंदौर से, ऑप्शन सी मैहर तहसील सतना से, या फिर ऑप्शन बड़ी मरकंटक तराई वाले हिस्से से। तो वांगचू पॉइंट जनपहो महू, तो बता दीजिए कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर है वांगचू पॉइंट जनपहो महू। तो आपने कई बार पढ़ा होगा चंबल जनपहो से निकलती है, तो आप इस पॉइंट का भी नाम देख लीजिए कहाँ पे है, तो वांगचू पॉइंट नाम से है ये जगह। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है, बाय विच मीन्स मोस्ट इरिगेशन इज डन इन मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए नहरों से, ऑप्शन बी कुआं एवं नलकूप से, ऑप्शन सी तालाब से, फिर ऑप्शन नंबर डी झीलों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुआं एवं नलकूप यानी ट्वेल एंड ट्यूबवेल। तो फैक्ट है सीधा सीधा रट लीजिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, छिपरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फिर वही क्वेश्चन उद्गम ओरिजिनेट, क्योंकि पूछता है तो इंपॉर्टेंट भी है, ऑप्शन शिवपुरी के पठार से, ऑप्शन बी काकरी बर्डी की पहाड़ी इंदौर से, ऑप्शन सी
बांगली गांव देवास या फिर ऑप्शन नंबर डी सिरोंज तहसील विदिशा। तो थोड़ा बहुत भी अगर ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाता है, जैसे बंगाली विलेज लिखा है, बागली विलेज है देवास में, तो आप हिंदी इंग्लिश का देख के एक बार मैच कर लीजिएगा। तो शिवपुरी प्लेटू काकड़ीवाड़ी किला इंदौर बागली विलेज देवास या फिर ऑप्शन नंबर डी सिरोंज तहसील विदिशा। तो इसका सही आंसर है काकड़ीवाड़ी की पहाड़ी इंदौर से। तो यहाँ से छिपरा नदी का उद्गम है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है, यानी फिर से हमें तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन ए वैनगंगा पारसवाड़ा पठार से, ऑप्शन बी काली सिंध बागली गांव देवास, ऑप्शन सी सिंध सिरोंज तहसील विदिशा से, ऑप्शन नंबर डी बरधा बैडन तहसील से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बरधा बैडन तहसील से, यानी बरधा नदी बैडन से नहीं निकलती है और बाकी तीनों जो ऊपर के लिए सारी निकलती है, वैनगंगा पारसवाड़ा काली सिंध बागली गांव सिंध सिरोंज तहसील। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 और इसी साथ खत्म हो जाएंगे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। तो उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो अगर आपको सिंहस्थ मेला याद होगा कहाँ पे लगा था और उज्जैन में, और वो सिंहस्थ मेला किस नदी किनारे लगा था हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो आप उससे लिंक करके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो उज्जैन सिटी इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर, ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी छिपरा, ये फिर ऑप्शन नंबर डी पार्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छिपरा, तो इसी नदी किनारे लगा था। तो इसी तरह कंप्लीट होते हैं आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, हमें लेसन नंबर 27 में पूछा था कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर क्या है, यानी व्हाट इज द मैस्कट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। तो आंसर दिया हमेशा की तरह पीपी ने, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, चलिए ठीक है आपसे बनता होगा नहीं दे रहे हैं, बट अगर आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हम इसको अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले वीडियो में भी। तो इसका हमने पूछा था कि ऑफिशियल मैस्कट क्या है, तो भूर सिंह दबारा सिंह है। तो आज के प्रश्न आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में सारे आंसर नंबर वाइज दे दीजिएगा, हम इसको या तो अगली वीडियो में दिखाएंगे फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिखाएंगे कि किसने सही आंसर दिया है। तो ये हमारा कुछ ऐसा रहेगा। तो ये आज हमारे कंप्लीट होते हैं, ये जो हमने 15 क्वेश्चन किए, हमने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 15 से 30 क्वेश्चन किसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6.3 मिनट के बारे में। तो समय आ गया है आपसे विदा लेने का, हम फिर मिलेंगे इसी सीरीज में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों की रीच बढ़ाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी को शेयर करने पहले खुद सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। जय हिंद।